अपडेट आया है गाइस, तो अपडेट पे वीडियो बनाना तो बनता है ना भाई। सो ओके गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो गाइस दैट एवरीवन आर फाइन गाइस। एंड दोस्तों, आज लेकर आ चुका हूं दोस्तों आपके लिए कर रही है स्पेशल वीडियो दोस्तों। एंड दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में दोस्तों हम लोग खेलने जा रहे हैं गाइस फ्री फायर। और गाइस मैं भैया, इसका नया अपडेट भी आया है और भाई इसके ऊपर वीडियो बनाने तो बनता है ना भाई, एकदम ओपी भाई साहब। आज की वीडियो इतना ओपी होने वाली है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। और ये क्या, और गाइस जैसे कि आप लोग जानते ही हैं यार कि आज 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 है 8 दिसंबर, यानी दोस्तों आज हम लोग अनबॉक्सिंग कर सकते हैं गोल्डन P90 की। लेकिन मेरा नेट क्यों नहीं आ रहा ठीक से, 1 मिनट गाइस। अरे भैया, ओ गाइस फाइनली गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यार। और ये क्या, डायमंड स्पिन ग्रेस प्राइस 10,000 डायमंड। और भाई इसमें मैजिक क्यूब आई मीन वो भी, और 10,000 डायमंड जीतने को मिलेगा इसमें। कपिला कैरेक्टर, उनकम कैरेक्टर, विंडर्स ट्रैपर बंडल, विंडर्स हंटर बंडल, 10,000 डायमंड, 100 डायमंड। ओ भाई ये तो एकदम ओपी इवेंट आया यार, इसमें बस 10, 10, 20, 90, 90 डायमंड का स्पिन करके 10,000 डायमंड जीत सकते हैं और प्लस 100 भी। और भाई गाइस इसको ट्राई जरूर करना जिनके पास भी डायमंड है, मेरे पास नहीं है, मैं टॉप अप कर लूंगा आई थिंक। लेकिन भाई भाई एकदम ओपी इवेंट आया गाइस, इसको ट्राई करना मत भूलना। और भाई साहब इसमें मैं स्पिन भी करूंगा, और आई थिंक यार वो जो बोनस डायमंड वाला था वो ख़त्म हो गया इसलिए उसका इसने ऐड नहीं आया। लेकिन भाई आप जो इवेंट है कसम बता रहा हूँ बहुत ही पी आया, ओपी आया यार। मतलब ये क्या, 10,000 डायमंड्स कुड बी योर कम टू ट्राई योर लक स्पिन डायमंड्स टुडे। भाई यार एकदम ओपी, इसमें तो बंडल भी मिलेगा विंडर्स हंटर का यार। यार गाइस इसके लिए एक, अरे गया नहीं है ये, मतलब टॉप अप 100 डायमंड वाली गया नहीं, इसको मैं क्लेम कर पाऊंगा अगर मैं 500 डायमंड वो कर पाऊंगा तो। लेकिन भाई आज आया ही नहीं है वो, क्या बोलते हैं यार उसे, क्या बोलते हैं मुझे, मतलब वो क्लैश स्क्वाड सीजन 4 आया ही नहीं है। द करंट सीजन इज एंडिंग एंड न्यू सीजन ओपन्स एट 8 दिसंबर। ओ यार ये तो टाइमिंग अच्छा ठीक है, जब टाइम आएगा तो क्लेम कर लेंगे। और यार रकी रॉयल में, लकी रॉयल में ब्लू क्यों आर्मी वो खेल रहे हैं। और भाई जरा इसको ओपन करते देखते क्या होता है, अवार्ड कर लिया कोई नहीं, और इसमें क्लेम करते हैं। अरे यार इसके लिए परचेज करना पड़ेगा मुझको कोई नहीं। और उसके बाद क्या था, लकी रॉयल करते हैं। ओ भाई क्या ओपी बंडल आया, इसी ने सारा मैच लगा दूंगा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई मिल जा बंडल, कुछ नहीं है। इसमें भी नहीं है, मैं सारा इसीलिए बचा के रखा था लेकिन मुझे बंडल ही नहीं मिल रहा है। मैं सारा गोल्ड रॉयल इसी में लगा दूंगा। बस मेरे पास एक ही गोल्ड रॉयल वर्चुअर्स मिला है, बचा है ये, अब ये भी खत्म। और अब इसको ओपन करते हैं, गोल्ड रॉयल वर्चुअर, गोल्ड रॉयल वर्चुअर, गोल्ड रॉयल वर्चुअर, गोल्ड रॉयल वर्चुअर, कुछ नहीं मिला यार। कोई नहीं, फिर से इस बार खोलेंगे। मिल ही नहीं रहा है यार, मतलब फिर भी मैं खूब स्पिन करूंगा यार। मैं दब भर के स्पिन करूंगा लेकिन भाई मेरे को चाहिए यार।
अभी से मैंने इतना सारा स्पिन कर लिया, लेकिन भाई कितना लूटे हैं करीना वाले, अभी तक मुझे दिया ही नहीं है टॉक्सिक लाइम वाला। वैसे इसमें से प्राइजेस क्या है? मेन मुझे ये बंडल चाहिए यार, देख रहे हो कितना ओपी बंडल है, पैंट कितनी ओपी है, शर्ट कितनी। ओ भाई ये मास्क देख रहे हो, मास्क मुझे चाहिए, इसमें मास्क बस मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ एक मास्क की जरूरत है भाई, गरीना वाले मास्क की नहीं दे रहे यार, यार ये तो गलत बात है ना। और ये बंडल तो भैया मैं ले के रहूंगा, इतना ओपी बंडल आया है भाई साहब, मैं ले के रहूंगा यार, मेरे को इसको चाहिए गाइस, मेरे को चाहिए ये बंडल यार, चाहे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा इस बंडल के बिना, इतना ओपी बंडल है कसम बता रहा हूँ मैं, कसम मेरे मरीजों की, इतना ये क्या है, चाहे वो अपने भाई हो, इसमें क्या है शॉटगन, अब इसी का देना था, इसका ऑलरेडी मेरे पास परमानेंट स्किन है। राइफल दे भैया हटेंगे, चलो इसको एक्विप कर लेते हैं, इसका कोई मेरे पास था नहीं, इसका G18 का तो है यार। आयुष भाई मुझे बार बार क्यों इनवाइट करे भाई, अगर हाथ में पेन ले देते ना तो सही होता, ये बैट ही क्यों दे रहे है, तो बैट ये वाला क्यों नहीं दे रहे है, मुझे सबसे दबे यार। और इसमें इसमें भी ओपी चीजें आई हैं, चलो आज 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 आलोक को ये वाले कपड़े पहनाती है, लोअर बहुत अच्छी लग रही है और ऊपर की ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, और अदर से 45 हो गई है हमारे पास, इवोल्यूशन स्टोन बढ़ते ना वो एकदम ओपी होता है यार। और भाई साहब और क्या है, इसको क्लेम करते हैं, और इसमें क्या है यार, क्या ये लुक दे जा रहे हैं यार, बस 10 घंटे के लिए तो है ये मेरे पास। और भाई और क्या है यहाँ पर, और बाकी एक बार कलेक्शन में चल के थोड़ा सा, इसको मैं ऑटो प्ले नहीं करूंगा, इसको मैं अनएक्यूप ही कर दूंगा, पर यहीं क्यों बुया में प्लेट होगा, बुया में ये वाला प्लेट नहीं हो सकता, इसको एक्यूप कर, वैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये वाला इमोट क्यों नहीं हो सकता यार, ये वाला इमोट ऑटो प्ले क्यों नहीं हो सकता, मुझे ये वाला इमोट चाहिए। और बाकी मैं तो इसकी बात कर रहा था, मैं एक काम करता हूँ, इसको अलग पहना देता हूँ, या फिर ये रहने दूँ, या फिर ये कर दूँ, या फिर ये कर दूँ, मेरे हिसाब से ना मुझे रखनी चाहिए ये थोड़ा ओपी लग रहा है। और अब अपन लोग लग रहे हैं यार, आप लोगों का बैनर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बाकी यहाँ से क्लेम कर लेते हैं ये क्या परचेज, और एक्टिव मिशन, अरे ओके गाइस, सो गाइस ओके, एक्टिव मिशन से 15+ गोल्ड मिल गया, और भाई ओ फायर पास 300 गोल्ड, इसको अपग्रेड करने के लिए मिले, नहीं चाहिए मुझे। और वेपन्स, और भाई अब अपन लोगों के पास आ चुका इतना सारा ही गोल्ड, तो क्यों ना इसमें स्पिन करते हैं थोड़ा, तो भाई इधर आयुष भाई को इनवाइट करते हैं, और मैं अभी कौन सा रैंक करूँ चेक करते हैं, या मेरे को अपनी रैंक का देख ही नहीं है, सब लोग प्लैटिनम थर्ड, प्लैटिनम सेकंड, प्लैटिनम 1 पर है, मैं हूँ प्लैटिनम 3 पर,
में सबसे ज़्यादा रैंक मेरी है और टोटल मैच 86, सीएस रैंक डायमंड के पास डायरेक्ट हीरोइक है। ओ भाई ये तो एकदम अच्छी बात है यार। द सिक्स डिविजन ब्रोनेस सिल्वर। ओ समझा, मेरे को प्लैटिनम के बाद समझ में नहीं आता था। ओके तो मैं हूँ अभी प्लैटिनम थर्ड पर, मुझे पहुँचना भी है प्लैटिनम फोर्थ पर। और ज़रा ओ भाई कितना बड़ा स्कोर मैंने किया यहाँ पे। तो यार अब थोड़ा सा रैंक्ड गेम लगाते हैं और भाई अब स्टार्ट करते हैं अपना गेम। रैंक का स्क्वाड मैच नहीं खेला अपन ने, तो आज सोचा खेल ही लूं। और भाई ये तो हीरोइक पे पहुंचने वाला है यार। डीपी भाई हीरोइक पे पहुंचने वाला है भाई। मैं भी पहुंचूंगा हीरोइक और पूरा दुनिया का सबसे बड़ा हीरोइक हीरो बनूंगा यार। मेरे को भी पहुंचना हीरोइक और मैं पहुंच के रहूंगा हीरोइक। यार आई डोंट थिंक सो दैट मुझे सोलो में ही करते हैं थोड़ा। तो पहले मैं गोल्ड रॉयल की जरा शक्ल देख लेता हूँ। ये है गोल्ड रॉयल 59 डेज तक चलेगा, लेकिन भाई मुझे चाहिए गोल्ड रॉयल यार। व्यू प्राइजेस एक बार चेक करते हैं। इतना ओपी गोल्ड रॉयल है। चलो कोई नहीं, इसको नहीं क्लेम करेंगे। और भाई बाकी यहाँ पर अब जाके स्टार्ट करते हैं इसको। और हाँ इसको इनकम्प्लीट, भाई मैंने एक मैच तो कंप्लीट किया। चलो यार चलो गाइस फाइनली, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ओ स्टार्ट। ओ भाई ये कौन सी जगह है? अरे यार ये कुछ भी है। अब इसको रिपेयर करेंगे पोर्टल को। कुछ लोगों ने गोल्ड रॉयल अभी से मिल गया, कैसे? अरे यार मेरे को भी चाहिए गाइस गोल्ड रॉयल, मेरे को भी चाहिए। और भाई अब जाके स्टार्ट हो गया दोस्तों। मॉस इलेक्ट्रिक उतरते हैं क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत तबाही मचाता हूँ यार। मैं भी वहाँ जब भी उतरता हूँ ना बहुत अच्छी तबाही मचाता हूँ। और भाई अब जरा चलते हैं यहाँ से नीचे की साइड। मार्स इलेक्ट्रिक आ रहा है अपन, मार्स इलेक्ट्रिक। पर ये मैं कहाँ उतर रहा हूँ मतलब मैं वहां उतरता सीधा, वो गिर के नहीं मरता क्या? जो सही है यार वहां तो नहीं उतर रहा हूँ। तो बंदा ओपी। ओ भाई ये कल जो स्किन दिख रही है दोस्तों आपको MP5 की, वो मैंने कल ही ली थी MP5 की स्किन। SMG ammo मिल गया।
स्टॉक लेवल वन नहीं लूँगा। ये यूएसपी भी कितनी कम कर दी मेरे हो गया। चलो भैया ये परमानेंट स्किन है मेरे पास, हमेशा क्लियर आएगी। और इतना ओपी स्किन मिला है ना, कसम बता रहा हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, चलो फोर एक्स स्कोप। पर फोर एक्स स्कोप इस पे यूएमपी पे क्यों लग गई? मैं चाहता हूँ इसमें लगे फोर एक्स स्कोप, पर इसमें यूएमपी पे थर्मल स्कोप लग जाए। और कटाना 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 ले लो कटाना कटाना मिल गया, और सही है यार, और सही है। अगर बैट मिल जाता और सही होता। और मुझे यूएमपी को चेज करना है किसी लॉन्ग रेंज गन से। यार ये गन चलेगी नहीं। चलो भैया इसको लूंगा तो हेलमेट लेवल वन ही तो मिलेगी। इसमें क्या है, हेलमेट लेवल वन मिलेगी जो कि मुझे नहीं चाहिए। सड़ी हुई हेलमेट होती है ये, रहा वेस्ट लेवल वन, यानी अब हेलमेट लेवल वन और वेस्ट लेवल टू होगी। चलो भैया हो गया फाइनली। और बाकी ये पैन मिल गया और यूएसपी ही रखे के पैन मिल गया गाइस, तो और अच्छा है यार। दो बंदे मुझे देख भी रहे हैं। मुझे थोड़ी ए आर एम चाहिए यहाँ पर होगा। कार ले लेते हैं। यहाँ पे प्लाज्मा रखी है, मन तो है मेरा प्लाज्मा लेने का। चलो कोई नहीं, मैं प्लाज्मा ही ले लेता हूँ। क्या कहाँ गोली चली? वो बंदा घर के अंदर गया। ओ भाई साहब अब इसको प्लाज्मा की मदद चखाना पड़ेगा। जरा देखते हैं मेरे प्लाज्मा में फोर एक्स स्कोप लग गई है। ओ भाई मेरे पास ग्रेनेड है एक, मैं एक काम करता हूँ साइड ग्रेनेड फेंक देता हूँ। क्या कोई फायदा नहीं हुआ। आजा आजा आजा, हेल्थ हो गई कम, मेडकिट लगाएगी। अब मेडकिट लगाएगी कोई फायदा नहीं क्योंकि मेरे पास प्लाज्मा है। प्लाज्मा की डैमेज तो इन लोगों को पता ही नहीं होगा कैसी मस्त डैमेज देता है भर भर के।
और बेचारी लेफ्ट साइड से अटैक करेगी तो यही होगा। जल्दी हो जा, मेरी ग्लू आई मीन वो भी चार्ज होने वाली। ओए कहीं तो छुप गई है वो। जोन आ रहा है, अब तो भागेगी। अब उसका बचने का कोई भी चांस नहीं बचा गाइस। भाग वहां से, ओपी। चल भाई साहब देखा, और अब मैं खुद ही जोन में जा रहा हूँ। ये अगर वो नहीं भागती तो भी उसका कितना फायदा होता। देखो जोन डैमेज ही कितना दे रहा है दोस्तों। पहला जोन ना के बराबर डैमेज देता है गाइस। पहले जोन से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे दूसरा जोन आ जाए, तीसरा जोन आ जाए, वो थोड़ा ज़्यादा डैमेज देता है ना। और ये पहला जोन है, ये फर्स्ट जोन है, मतलब जस्ट अभी श्रिंकिंग शुरू हुआ है इसका, तो फिर ये ज़्यादा डैमेज नहीं देगा। लेकिन देखो जो स्टार्टिंग का लाइन में, मतलब जो जो एकदम स्टार्टिंग का आइलैंड होता है, एकदम आइलैंड के कॉर्नर में जो शुरू होता है ना सेफ जोन, वो दोस्तों ना आपकी आपके प्रॉफिट के लिए, आई मीन वो ना आप में। ओ ए बंदा, चलो भैया गया गया। ओपी अज्जू भाई से मैंने प्लाज्मा लगाना, प्लाज्मा चलाना सीखी तो देखो यार कितना फायदा हो गया। अज्जू भाई की वीडियोस देखो यार, बहुत अच्छा चलाता है वो भी प्लाज्मा। मैंने उसी से प्लाज्मा चलाना सीखा है, उसी का देख लो। प्लस ये आईआरजी है उसका भी देख के, आईआरजी ये जो भी लोग हैं ना, आईआरजी फाईआरजी जो भी प्रो प्लेयर्स होते हैं ना, वो सब लोग अज्जू भाई से ही ट्रेनिंग लेते हैं। ये तो गाइज आप लोग को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और तुम लोग देख रहे हो अनलिमिटेड एचपी यार, के कैरेक्टर की कोई जरूरत ही नहीं है। अनलिमिटेड एचपी मतलब ईएपी थोड़ी सी बढ़ा दो, अनलिमिटेड एचपी पड़ेगी। ओपी है यार, एकदम ओपी है। और इस जोन से डरने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे जोन रुकेगा और फिर से श्रिंक होना शुरू होगा तो देखना कितना भर के डैमेज लगेगा। अभी 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 जैसे ये रुक गया, अब फिर से श्रिंक होना शुरू करेगा तो बहुत डैमेज देगा। अब फिर से रुक के फिर श्रिंक होना पड़ेगा तो महा डैमेज देगा। इस तरह से करते करते दोस्तों होता है। आई मीन अभी तो ये टच तो नहीं हुआ है फिलहाल, लेकिन जैसे टच होने के बाद जो दूसरा जोन शुरू होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा डैमेज देता है। अभी से अपने 4 किल्स हो गए यार। रैंक है, रैंक का सवाल है यार। जल्दी भूया करना है यार, भूया करना है गाइस, आज तो भूया करना है यार, रैंक का सवाल है। देख रहे हो यार कितने कम बंदे बचे हैं। और वो कोई ग्लाइडर है क्या? नहीं ग्लाइडर नहीं है। और मैंने प्लाज्मा में 4x इसको गाइस क्यों लगाई आपको बता ही देना चाहिए, वो इसलिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जो लोग AWM चलाते हैं ना, उनके लिए जो बुरी खबर आई है ना, उसको भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। आई मीन ओ ओ चल भैया, वाह मार दिया यार, कोई नहीं इसने मारा, चलो कोई बात नहीं। ओ गाइस प्लैटिनम 4th रैंक फाइनली दोस्तों। ओ भाई 300 मिल गया, 3000 देते तो अच्छा होता। ओ भाई 3 गोल्डन वर्चुअल भी मिल गए भाई साहब, ये तो ओपे है यार गाइज अपने ओपी प्ले के लिए। ओ भाई यार जो अभी हम लोग मर गए, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं,
अपनी रैंक तुम लोगों ने देखी यार, प्लैटिनम फोर्थ रैंक पे, यानी बस डायमंड रैंक पे पहुंचेंगे, और डायमंड से डायमंड वन, डायमंड टू, डायमंड थ्री, डायमंड फोर से पहुंचेंगे दोस्तों हीरोइक, और भाई सब असली मजा आएगा भाई, गोल्डन वर्चुअल मिल गया यार, इससे अच्छा क्या हो सकता है। स्पिन करो, भर भर के स्पिन करेंगे। ओ गाइस फाइनली दोस्तों गोल्ड रॉयल मिल चुका है हमको, टॉक्सिक लाइन पाइथन बंडल। ओ भाई साहब, ओ भाई ओपी यार, आप भाई अब आएगा असली मजा। ओ भाई साहब एकदम ओपी यार, गाइस फाइनली अपन लोगों को मिल चुका है यार टॉक्सिक पाइथन बंडल दोस्तों। यार इसकी खुशी में दोस्तों लाइक ठोक दो यार, एक लाइक तो बनती है। ओके गाइस, तो गाइस होप सो दैट अगर तुम्हें पसंद आएगी तो को लाइक करना, एंड गाइस नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो भी लोग मेरे चैनल पर हैं सब्सक्राइब करें, एंड दोस्तों गुड बाय।